अब बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झांसी आ रहे हैं। 19 नवंबर को पीएम मोदी का झांसी का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर 8 योजनाओं की सौगात झांसीवासियों को देंगे। इस मौके पर आज से झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झांसी में इस पर्व में मौजूद रहेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आज झांसी का महोबा के दौरे पर भी रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। झांसी में आज से 3 दिनों के राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की भी शुरुआत वो करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस मौके पर यहां मौजूद रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का झांसी दौरा किस मौके पर हो रहा है और क्या मोदी के झांसी दौरे से लोगों को सौगातें मिलने वाली हैं और अगर हां तो क्या क्या। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के प्रोजेक्ट की आधारशिला यहां पर रखी जाएगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड 400 करोड़ रुपए का मिसाइल प्रोजेक्ट लगाएगा। HAL द्वारा बनाए गए हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स को सौंपे जाएंगे। आर्मी को स्वदेशी ड्रोन और मानव रहित यान सौंपे जाएंगे। इसके अलावा DRDO में बने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नेवी को सौंपे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट INS विक्रांत और दूसरे जंगी जहाजों पर लैस होंगे। झांसी विकास प्राधिकरण के अटल एकता पार्क का लोकार्पण किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा और साथ ही 14 करोड़ की लागत से झांसी में ये अटल एकता पार्क बना है जिसका पीएम मोदी 19 तारीख को लोकार्पण करेंगे। साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई के 193वें जन्मदिन के समारोह में शामिल पीएम मोदी होंगे। झांसी के किले में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा और उसे भी देखेंगे पीएम। झांसी के किले में उस जगह पर पीएम मोदी जाएंगे जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।